नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ये आपका टॉपिक पता होना चाहिए आपको कि सार्क को दोबारा जिंदा करने की बात की जा रही है, क्योंकि जो सार्क संगठन था कुछ दिन से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। एक बात हम लोग हमेशा याद रखा करिए कि जब आपके पड़ोसी से आपकी बुराई हो जाती है, उसके बाद कभी इस तरह का बुरा टाइम आता है कि या तो आपके आपके घर में या फिर किसी पड़ोसी के में, तो आप हमदर्दी जताकर उसे सही भी कर सकते हैं उस बुराई को। तो यही कोरोना महामारी के कारण एक अवसर मिला हुआ है कि सभी देशों से आप लोग अच्छे संबंध भी बना सकते हैं। और एक और बात है कि आप लोग जानते हैं कि पड़ोसियों को कभी नहीं बदला जा सकता है। अगर आज हम लोग अमेरिका से दोस्ती ना रखें तो हो सकता है चल सकता है एक समय के लिए, लेकिन आप सोचें चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर इनसे हमारे सही रिश्ते नहीं हुए तो हम सभी हमेशा डर के साए में जिएंगे, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं, इन्हें हम कभी बदल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को उठा के कहीं और रख दे। इसलिए कहा जाता है कि अपने पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छे ही रखें, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं किस तरह से हमारे पड़ोसी हमसे दूर होते जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी वो आप सभी के सामने हैं, पर नेपाल को आप देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं, पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत पहले से हम लोग से अलग होता जा रहा है। अब तो यहां तक देखा जा रहा है कि जो हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहते थे वो भी आज चाइना पर निर्भर हो गए और हमसे दूर होने लगे हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा भी शब्द यूज करने लगे हैं कि जो कोरोना वायरस है इससे ज्यादा खतरनाक वायरस भारतीय है और भारतीयों ने हमारे देश में कोरोना फैलाया हुआ है। नेपाल की शब्द आपने सुने होंगे, फिर चाहे अयोध्या को लेकर उसने विवाद किया हो, जो भी बात की हो, समझ रहे। तो आज हम लोग दोनों संगठनों के बारे में जानेंगे, आपका सार्क के बारे में भी जानेंगे और बिम्स्टेक के बारे में भी जानेंगे। सार्क का महत्व आखिर क्या है, सार्क व कोविड-19 का प्रभाव क्या है सार्क संगठन पर, और भारत के लिए चुनौती क्या है और आगे की राय क्या हो सकती है, और आपकी नजरों में भी अगर कोई इस तरह के सुझाव हैं तो आप भी नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, खुला हुआ है आपके लिए। सार्क को स्फूर्त यानी कि सक्रिय करने की अपरिहार्यता, यानी कि जो सक का सब सार्क जो संगठन है इसका पूरा कार्य आप देखते हैं कि पूरा ना तो व्यवस्थित तरीके से बैठकें की जा रही हैं, तो इसे दोबारा जिंदा करने की बात की जा रही है। ब्रुकिंग्स इंडिया के अध्ययन के अनुसार अधिकांश दक्षिण एशियाई राष्ट्र भारत से भौगोलिक निकटता के बावजूद अब आयात के लिए चीन पर निर्भर है। वहीं भारत चीन सीमा तनाव के बीच चीन अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति के तहत दक्षिणी एशिया में भारत के हितों पर हमला कर रहा है। इस संदर्भ में कई विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि 2014 से निष्क्रिय पड़े सार्क को फिर से मजबूत करके भारत को चीन से रणनीतिक ढंग से निपटने के लिए दक्षिण एशिया से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले हम लोग मैप्स पर चलते हैं। ये हमारा एशिया है, इसमें हमारा प्यारा भारत है, ये आपका पूरा एशिया हो गया, इसमें हमारा प्यारा भारत है आपका। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि ये श्रीलंका है, देख रहे हैं आप लोग श्रीलंका। आप सोचिए कि हमारा पड़ोसी है और इस पर ये भी आपका चाइना पर निर्भर हो रहा है। यहाँ बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, भूटान को देख सकते हैं, नेपाल को देख सकते हैं, पाकिस्तान को, चीन यहाँ है, फिर भी चीन से ये लोग व्यापार कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। अफगानिस्तान को देख सकते हैं। अगर आप सोचिए कि हमारे संबंध पाकिस्तान से अच्छे होते तो हमें यहाँ से जाना नहीं पड़ता, पाकिस्तान के लिए ईरान होते हुए हम यहीं से व्यापार कर सकते थे अपना। नेपाल को आप देख सकते हैं कि नेपाल हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी हुआ करता था, लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमसे दूर होता जा रहा है। भारतीय वस्त्र उद्योग की महत्ता, पिछले कुछ वर्षों के दौरान पाकिस्तान के साथ बढ़ती शत्रुता के कारण सार्क में भारत की राजनीतिक दिलचस्पी काफी कम हुई है और भारत ने इसकी जगह बिम्स्टेक पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया है। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए के कारण पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है भारत। इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान को समर्थन देकर उससे नजदीकियां बढ़ाई हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना द्वारा पाकिस्तान ने से चीन की निकटता और मजबूत हुई है। एक बात और आपको बता दें, जब आप देखते हैं कि आपकी किसी से दुश्मनी हो जाती है तो जो आपका दुश्मन होता है दूसरा दुश्मन उससे भी हाथ मिला लेता है आपका दुश्मन, समझ रहे हैं। तो यही हाल है, अब चाइना का आप नेपाल में देख सकते हैं,
पाकिस्तान में देख सकते हैं, हमारी जैसी ही बुराई होती है तुरंत हाथ मिला लेता है चाइना। और ईरान में आप देख रहे हैं कि हमारे अच्छा वाला काम चल रहा था, चाबहार बंदरगाह का हम लोगों ने निर्माण किया हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ा हम लोग ठंडे पड़े वहां भी चाइना जाके बैठ गया कुंडली मार के। इसके अलावा भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी विभिन्न पैंतरे अपना कर चीन अपने वैश्विक विस्तार में लगा हुआ है। जैसे कि चीन बांग्लादेशी उत्पादों पर 97% टैरिफ की छूट देकर बांग्लादेश को लुभा रहा है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। साथ ही बेचारे को भौतिक कारणों से नेपाल की चीन से नजदीकियां बढ़ रही हैं। चीन ने व्यापक निवेश करके श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत किया है। ध्यातव्य है कि भारत ने अब सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक जैसे अन्य क्षेत्रीय निकायों में निवेश करना आरंभ कर दिया। हालांकि बिम्स्टेक दक्षिण एशिया में सार्क को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसका मुख्य कारण है कि सार्क देशों की साझा पहचान तथा इतिहास। इसके अतिरिक्त बिम्स्टेक भौगोलिक रूप से बंगाल की खाड़ी क्षेत्र आधारित है। यह दक्षिण एशियाई देशों के संयोजन हेतु उपयुक्त मंच बनने के लिए अनुपयुक्त है। अब हम बात कर लेते हैं बिम्स्टेक आखिर है क्या। इसमें बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक है आपकी। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं आपके, जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित है, जो एक क्षेत्रीय एकता का निर्माण करते हैं। यह उप क्षेत्रीय संगठन बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था, यानी कि इसे बनाया गया था आपका 6 जून 1997 को। यह दक्षिण एशिया से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से म्यांमार और थाईलैंड सहित कुल 7 आपके राज्यों का गठन करता है। देखिए इसमें एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये भारत, इसमें भारत है आपका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। इस तरह से आपके टोटल 7 हो जाते हैं। ठीक है, प्रारंभ में इस आर्थिक ब्लॉक का गठन 4 सदस्य राज्यों के साथ किया गया था, जिसका संक्षिप्त रूप था बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग इसका नाम था पहले। इसमें 4 देश थे, कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के नाम से इसे जानते थे। बैंकॉक में एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार को शामिल किए जाने के बाद समूह का नाम बदलकर बिम्स ईसी यानी कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग कर दिया गया। 6वीं मंत्री स्तरीय बैठक फरवरी 2004 में थाईलैंड ने नेपाल और भूटान के प्रवेश के साथ सामूहिकरण का नाम बदलकर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को ऑपरेशन यानी कि बिम्स्टेक कर दिया गया। अब बात करते हैं सार्क संगठन के बारे में। ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर द्वारा 1985 में सार्क की स्थापना की गई। आपका जो बिम्स्टेक है 1997 में आया आपका, और जो सार्क है आपका 1985 में आया, यानी कि सार्क पुराना संगठन है। इसका सचिवालय आपको काठमांडू, नेपाल में देखने को मिलेगा। दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और आपसी सहायता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने का प्रयास करता है। सार्क में आपके 8 देश शामिल हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका शामिल है इसमें। कौन कौन? ये आप देख रहे हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, और इसमें अफगानिस्तान, क्या है? अफगानिस्तान। और मालदीप आपका यहाँ नीचे है, कहाँ है? यहाँ आपका यह मालदीप, ठीक है। इसमें आपके टोटल 8 देश हैं। इसके अलावा 6 पर्यवेक्षक देश भी हैं इसमें शामिल, चीन, जापान, यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान भी इनमें शामिल किए गए। दक्षिण एशिया दुनिया के सबसे कम एकीकृत क्षेत्र में से एक है। सार्क देशों के मध्य कुल दक्षिण एशियाई व्यापार का बामुश्किल 5% व्यापार होता है।
जबकि इसके समकक्ष आसियान क्षेत्र में कुल व्यापार का 25% अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता है। यद्यपि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, परंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा परस्पर विश्वास की कमी के कारण व्यापार में सार्थक वृद्धि नहीं हुई। वर्तमान में विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में व्यापार $67 बिलियन के अनुमानित मूल्य का केवल $23 बिलियन है। आप लोगों को एक बात और यहाँ बता देता हूँ कि याद रखिए, अगर आपको महाशक्ति बनना है, यानी कि आपको अगर पावरफुल बनना है, तो आपको अपने पड़ोसियों से दोस्ती करके रखनी होगी। अब सोचिए, जब आपका व्यवहार आपके पड़ोसियों से अच्छा नहीं होगा, तो कौन आपसे बाहर का कोई भरोसा करेगा? अब आप सोचिए कि आप अगर देश महाशक्ति बनना है भारत को, तो आपके पड़ोसियों को पहले लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी तो बाकी देशों को आप पर भरोसा होगा। समझ रहे हैं? सार्क के अगर महत्व की हम लोग बात करें, तो सार्क में दुनिया का 3% क्षेत्र है, दुनिया की आबादी का 21% और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% $ यानी कि $2.9 ट्रिलियन शामिल है। यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। सार्क देशों के पास साझा परंपरा, पोशाक, भोजन, संस्कृति और राजनीतिक पहलू हैं, जिससे उनके कार्यों का समन्वय होता है। और आप समझते हैं कि कहा जाता है कि 21वीं जो सदी है, ये एशिया की सदी मानी जाती है। आप जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे पास जनसंख्या है, हम सभी के पास, एशिया में जितने देश हैं, और अगर ये सभी मिलकर काम करें तो अमेरिका को कभी भी पछाड़ सकते हैं। समझ में आया? अब चाइना अलग भाग रहा है, आप देख रहे हैं कि भारत अलग भाग रहा है, पाकिस्तान अपना अलग मौज मस्ती में लगा हुआ है, उसे आपका आतंकवाद को फैलाने से ही फुर्सत नहीं है, इसीलिए पिछड़े हुए हैं। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हेतु मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में और अधिक आर्थिक एकीकरण और समृद्धि ला सकता है। इसके अलावा विकास प्रक्रिया और आर्थिक सहयोग में संलग्न नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका के माध्यम से चीन का मुकाबला कर सकते हैं। सार्क पर अगर हम लोग COVID-19 का प्रभाव की बात करें, वैसे तो आप पूरी दुनिया COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से प्रभावित है, लेकिन सार्क को भी देख लेते हैं। दक्षिण एशिया ने अभी तक विश्व स्तर पर बहुत कम विकट परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन इसकी जनसंख्या के घनत्व को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ये किसी भी प्रकोप से कहीं अधिक हताहत होंगे। इन उपमहाद्वीप में वायरस का प्रसार प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप अपने ही देश का ले लीजिए, कि अगर आपके देश में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस फैल जाता है, तो इसे कंट्रोल कर पाना बहुत बड़ा मतलब हमारे सामने समस्या आ खड़ी होगी, क्योंकि गांव में आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा गांव, कितनी मतलब जनसंख्या है हमारे देश की, आप समझ सकते हैं कि इतनी विकट परिस्थितियों से हम गिर जाएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए विशिष्ट चुनौतियां हैं, क्योंकि वे ईरान के साथ लंबी सीमाओं को साझा करते हैं, जो चीन और इटली के बाद वायरस के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका पर्यटन पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, जो उनकी अर्थव्यवस्थाओं का मुख्य आधार है। इसके अतिरिक्त अंडर रिपोर्टिंग के बारे में भी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्सों में बहुत कम लोगों का परीक्षण किया जा रहा है। भारत के लिए चुनौती की बात अगर हम लोग करें, तो भारत पर अक्सर पाकिस्तान विरोधी बयानबाजी और इस्लामोफोबिया के साथ बांग्लादेशी प्रवासी से संबंधित आरोप लगाए जाते हैं, या भारत के पड़ोसी देशों में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। और इसी से आप देखते हैं कि बाकी देश भी हमसे डरने लगते हैं, यानी कि हमारे साथ दोस्ती करने से परहेज करने लगते हैं। तो हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति से विदेश नीति पर अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। इससे भारत की उदार धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र तथा सॉफ्ट पावर की छवि को ठेस पहुंचती है, जो कि भारत के नेतृत्व को नैतिक वैधता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा सरकार की आर्थिक परिकल्पना में अनिश्चितता बनी रहती है। इसमें आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल जैसे नारों का वास्तविक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अपनी आयात निर्भरता में कटौती करने की आवश्यकता है, परंतु इससे आयात प्रतिस्थापन के आर्थिक दर्शन में वापसी का संकेत मिलता है। यदि यह संरक्षणवाद की ओर वापस लौटने की निशानी है, तो भारत द्वारा दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में अनिश्चित की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आगे की राय क्या हो सकती है इनमें, उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। भारत को आगे बढ़ने पर अपने पड़ोसियों के साथ टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए काम करना होगा। हालांकि इस संदर्भ में भारत द्वारा 15 जून 2015 को बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ मिलकर
यात्री व्यक्तिगत और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन हेतु मोटर वाहन समझौते MBA पर हस्ताक्षर किए गए। अभी हाल ही में MBA पर बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक यात्री और कार्गो प्रोटोकॉल पर चर्चा के लिए आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य 2015 में हस्ताक्षरित समझौते को प्रभावी करना है। इसके अलावा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार व्यापार क्षेत्र में कुल निवेश का लगभग आपका 19% अंतर आसियान निवेश होता है। सार्क क्षेत्र इसी तरह उच्चतर इंट्रा सार्क निवेश प्रवासी लाभ प्राप्त कर सकता है। इसलिए वर्ष 2007 से लंबित सार्क निवेश संधि पर वार्ता को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। लास्ट में कह सकते हैं कि क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को मजबूत करने में सार्क देशों में परस्पर निर्भरता में वृद्धि हो, जिससे भारत की केंद्रीय भूमिका हो सकती है और परिणाम स्वरूप भारत के सामरिक हितों के भी सुरक्षित होने की संभावना हो सकती है। एक और बात लास्ट में बोलूंगा, मैं ही अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग नीचे बता सकते हैं। मुझे लगता है कि जब हमारी सरकार बदली 2014 में, 2015 तक शुरू की जो फर्स्ट गवर्नमेंट थी, शासन था मोदी सर, उसमें आपने देखा है कि सभी देशों से अच्छे संबंध बनते दिख रहे थे हमें। पाकिस्तान से भी आपने देखा है कि सुधरते हुए रिश्ते दिख रहे थे, चाइना से भी आपने देखा है, बाकी सभी देशों से आपने देखा है। लेकिन 2020, 1920 हमारे पड़ोसियों को हम लोग लेकर नहीं चल सके। और अब देखिए कि नेपाल से, अभी तक के इतिहास में नेपाल से जितने बुरे से बुरे रिश्ते हो सकते हैं उतने बुरे हो चुके हैं अभी नेपाल से। तो कुछ तो हमें मतलब अपनी नीतियों में सुधार करना होगा। देखिए आगे क्या होता है, हम लोग बात करते रहेंगे।